बनारस जो है, बनारस मुझे लगता है कि मोदी जी का ही ये तो क्षेत्र है ना, ये तो मतलब ये उनका मोदी जी ही। का क्षेत्र है। जी, महादेव की नगरी काशी में पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के अवतरण दिवस निमित्त निकली विशाल व सुंदर रैली, प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में परमिशन मिली और दूसरे ही दिन कैसे निकली इतनी विशाल रैली, आइए जानकारी लेते हैं अनीता दीदी से। हरिओम, जय गुरुदेव, स्वागत है आप सभी का। अभी आपने जो एक वीडियो क्लिप यहाँ देखी है, बड़ा सुंदर आयोजन हुआ है बनारस में पूज्य गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू के अवतरण दिवस निमित्त। बड़ा सुंदर आयोजन रैली का वहां किया गया। इस रैली की आपने एक झलक मात्रा भी देखी है। उस रैली का और वीडियो मैं आपको आगे दिखाऊं, उससे पहले मैं आपको मिलवा रहा हूँ बनारस आश्रम से। हमारे साथ जुड़ी है अनिता दीदी, जो रायपुर की भी सेवाएं देखती है और अभी बनारस में है। और इस ये आयोजन जो किया गया रैली का, किस प्रकार ये हुआ, क्या प्रेरणा और किस तरह का अनुभव उनका रहा, वो सारी बातें और सारे सवाल जवाब उनसे होंगे। तो चलिए मिलवाता हूँ आपको अनिता दीदी से, बात करते हैं बनारस आश्रम से। अनिता दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हरिओम। हरिओम दीदी, बहुत ही सुंदर आयोजन कल आपने किया है। कल रविवार 9 अप्रैल को बनारस में, जी तो जी कैसा, मतलब बताइए उसके विषय में कि कैसी आपको ये प्रेरणा मिली और क्या आपका अनुभव रहा। इसमें यह था भैया कि जैसे मैं करीब 2019 से गुरु जी की आज्ञा से बनारस आश्रम भी देख रही हूँ, तो जब भी मैं जी यहाँ आती थी तो मुझे लोगों में बड़ा वो है कि हमारे गुरु जी का क्यों 10 साल से बाहर नहीं आ रहे हैं, हम कुछ प्रचार प्रसार ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो इस जी बार अभी जैसे अवतरण दिवस पे संयोग से मुझे यहाँ आना हुआ, तो मैंने सोचा कि कुछ लंबा प्रोग्राम किया जाए एक आध हफ्ते का, जैसे अपन करते हैं रायपुर में भी हम करते हैं। तो यहाँ पे हमने 6 अप्रैल से ये कार्यक्रम शुरू किया। तो जब मैं ट्रेन में आ रही थी रायपुर से बनारस, तभी ट्रेन में ही मैंने ये प्लानिंग कर ली थी कि 6, 7, 8 को हम कहीं ना कहीं कुछ शरबत वितरण या कोई भंडारे ऐसे करेंगे और 9 तारीख को हम विशाल रैली निकालेंगे। समस्या ये आ जी रही थी यहाँ पर परमिशन की, क्योंकि यहाँ परमिशन मिलती नहीं है ऐसा मुझे किसी ने बताया, और अपनी संस्था को मैं भी अपनी रैली इस आश्रम के द्वारा 18 साल से नहीं निकाली गई। कुछ समय पहले जी 2014 में मिली भी थी परमिशन, तो सिर्फ एक थाना क्षेत्र से ही परमिशन मिली थी, तो जी बहुत कम, मतलब 1.5-2 किलोमीटर लगभग की थी। लेकिन ये वाली जी रैली के लिए गुरु जी की ही साक्षात, हम तो बोलते हैं एकदम कृपा का अनुभव हमने किया है कि इसमें कई थाना क्षेत्र पड़े और बहुत सारे जगह से परमिशन लेना पड़ा। और इस समय G20 का यहाँ कुछ माहौल चल रहा है बता रहे हैं, फिर अजय डोभाल जी जो भी, मतलब बड़े बड़े राजनीतिक यहाँ पर आए हुए थे नेता, और उसके बाद ये था कि मिलेगी कि नहीं, डेली हमें लगता था मिलेगी कि नहीं। तो एक भाई ने हमें काफी सहयोग किया, अपने लखनऊ के भाई ने, नारायण भाई ने, और जी उनके प्रयास से हमको शनिवार के दिन, रविवार को हमारी रैली है और शनिवार को हमको परमिशन मिली। तो उसके बाद ही हमने शुरुआत तो कर दी थी, क्योंकि हमें बोला गया था कि आपको परमिशन मिल जाएगी, लेकिन जब तक परमिशन ना मिले तो मन में बड़ी दुविधा थी कि हम इतना सब कर रहे हैं, व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लोगों के पास मिल रहे हैं, जा रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं मिली तो क्या होगा। पर जब शनिवार को सुबह 11 बजे फोन आया कि आपकी परमिशन हो गई, आप लेके जाइए, तो बड़ा बड़ा उत्साह आ गया और सभी लोग बड़े उत्साहित थे और बहुत ही बढ़िया रैली यहाँ पर निकली। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, हमने भी सबने देखा वो दृश्य। तो एक बनारस जो है, बनारस मुझे लगता है कि मोदी जी का ही ये तो क्षेत्र है ना, ये तो मतलब ये उनका मोदी जी ही। का क्षेत्र है। जी, तो वहीं हाँ से तो मोदी जी का बनारस का संसदीय प्रतिनिधित्व क्षेत्र करते है हैं। ये। तो मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और संसद में वो, खासकर सांसद जो है, तो वो बनारस का प्रतिनिधित्व करते हैं। और उनके क्षेत्र में बापू के दीवानों ने इस तरीके से एक सुंदर आयोजन किया है रैली का, और ये परंपरा तो अब चलती रहेगी। 18 सालों के बाद निकला है सब, जैसा भी अनीता दीदी ने कहा। तो और क्या रहा, लोगों का कैसा रहा वहां पे प्रतिसाद, मतलब जब रैली आपकी निकली तो जो जनता थी वहां की, उनका क्या दृष्टि, मतलब ऐसा ही रहा। हमारी रैली करीब 1-1.5 किलोमीटर लंबी रही होगी, 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा, कोई तो 2 किलोमीटर भी बोल रहे थे, अभी आप देखे होंगे। तो इसमें लोग, जब मैंने देखा यहाँ पर बनारस का, एक अच्छा मुझे अनुभव हुआ बनारस में, ये हुआ कि हम जहाँ भी जा रहे हैं लोग एकदम झुक कर प्रणाम कर रहे हैं रैली को, कोई पूछ रहे हैं कि बापू आ गए क्या। और मैंने ये भी देखा कि जिस थाने के सामने से निकलती थी तो पुलिस वाले भी बाहर आके वीडियो बना रहे थे, और जैसे ही हमारी रैली चल रही थी कई लोग खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, तो बड़ा अच्छा जी लगा वहां पर। और काफी, जैसे हम लोग कुछ बोलते थे तो उसको बड़े ध्यान से सुनते थे। फिर एक जो बापू जी का है, वो जो जाम पे जाम पीने से क्या फायदा,
ये वाला जब बीच में बोला जाता तो लोग ताली बजाते थे, ये मैंने अपने खुद देखा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, ये एक धार्मिक नगरी है, तो यहाँ पे तो गुरु जी का अच्छा मतलब रैली निकालने से हमें पता चला कि काफी अच्छा लोगों का भाव है यहाँ पर। जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो ऐसा तो हर शहर में प्रयास होना ही चाहिए, जहां हम कई वर्षों से रैली नहीं निकले तो वहां भी निकलनी चाहिए। अधिकतर अभी अवतरण दिवस है तो देश में तो कई जगह रैलियां निकल ही रही है, कई जगह संकीर्तन यात्रा है, ऐसी रैलियां वो निकल रही है, लेकिन जहां नहीं निकली है कई वर्षों से तो वहां पुनः शुरू होनी चाहिए। एक प्रयास जैसा अनीता दीदी ने वहां करवाया बनारस में, जहां उनको अनुमति भी नहीं मिल रही, मतलब ऐसी एक संभावना नहीं थी कि भी अनुमति मिलेगी, इसकी कोई संभावना नहीं लग रही थी, लेकिन देखिए एक दिन पहले उनको अनुमति भी मिल गई। तो हम यदि तन मन से पूरे लग जाते हैं तो निश्चित गुरुदेव की करुणा कृपा सारी परिस्थितियां अनुकूल हो जाती है, प्रतिकूलताएं सब दूर हो जाती है, विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है और अच्छा सुंदर आयोजन हो जाता है। बहुत सुंदर प्रेरणा बनारस के साधकों ने, अनीता दीदी आप सबने हमको दी है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत, और आपको बहुत बहुत बधाई अवतरण दिवस की। जय गुरुदेव। आपको भी हरिओम। हम आपको ये संदेश देने आए हैं कि नशा बहुत ही बुरी चीज है मेरे भाई और बहनों। बापू जी कहते हैं जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी, तू हरी नाम की प्याली पी ले मेरे भैया, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। यही संदेश लेकर निकले हैं दादू जी के बच्चे, आपके बीच में आए हैं पूज्य गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू का 11 अप्रैल को आवरण दिवस है। महापुरुष किसी न किसी कार्य को पूरा करने के लिए जब इस धरती पर होते हैं तो उसे आवरण दिवस कहते हैं। यही आवरण दिवस भारत ही नहीं पूरे विश्व में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आपको आश्चर्य नहीं होगा कि वही संत आशाराम जी बापू ने क्या 10 साल से देश को जेल में है, कि हाँ आपने सही पहचाना, ये वही संत शिरोमणि आशाराम जी बापू है जो 10 वर्षों से जयपुर जेल में है, और हमें गर्व है कि हम आशाराम जी बापू के शिष्य हैं। महान रोजेदार है मेरे गुरुदेव जी, महान रोजेदार है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। में आएंगे कैसे यार।